न्यू व्लॉग. सो कल है मेरा साइंस एग्जाम एंड आज हम लोग करने वाले जोरों शोरों से प्रिपरेशन के बहुत सारा कोर्स मैंने मैंने जो मेरा डिफिकल्ट चैप्टर है मैंने ख़त्म कर दिया. फॉर एग्जाम्पल मैटर एंड इट्स नेचर, मेजरमेंट एंड मोशन, इतना मैंने कम्प्लीट कर दिया. बाकी जो चैप्टर्स हैं वो मुझे काफ़ी ईजी लगते हैं, एक्सेप्ट हैबिटेट एंड एडाप्टेशन. जो लोग भी क्लास सिक्स में, उनको पता है ये सारे चैप्टर्स हैं, चाहे जो भी बुक हो, लेकिन हर एक बुक में ये वाला चैप्टर्स है. मैं ट्यूशन जाती हूँ तो मुझे पता है कौन से बुक में कौन सा है, कौन से बुक में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं मेरे बैच के, मतलब सिक्स के, तो बहुत सारे बुक मिल जाते हैं उनको, मैथ का, साइंस का, हिस्ट्री का, सबको मिल जाता है. तो मैं अभी क्या कर रही थी, जस्ट डूडल कर रही थी, क्योंकि अगर डूडलिंग करना ना मुझे बहुत पसंद है काइंड ऑफ, एंड आप सोचो एग्जाम टाइम में डूडलिंग. तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि डूडलिंग मुझे मेरा माइंड को शार्प रखता है. अगर कुछ करने का मन ना हो तो मैं जस्ट ऐसे ही डूडलिंग कर देती हूँ सुबह सुबह, और ऐसे ऐसे करके मेरा टाइम भी चला जाएगा जब तक मम्मी हमारा ब्रेकफास्ट बनाएगी. तो मैं ब्रेकफास्ट करके ही पढ़ूंगी, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती हूँ बीच में ही मम्मी ब्रेकफास्ट बनाती है और फिर से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ. इसीलिए मैं एक फ्लावर बनाई थी, लेट मी टेल यू, मैं अच्छी नहीं हूँ फ्लावर बनाने में, प्लीज़ डोंट जज मी. मैं बहुत ही बेकार हूँ ड्राइंग में, तो मुझे मत बोलना. आप लोगों को पता है मेरी मम्मी भी बोलती है कि मैं ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ. तो अभी मैं एक मार्कर से दूसरे मार्कर, तो अभी हम लोग इधर से इसके पेटल्स को कलर करना स्टार्ट करते हैं. ये पिंक पिंक जब तक रह रहा है हम इसके पेटल्स को कलर कर देंगे, आई मीन इन कॉर्नर पेटल का, एंड उसके बाद आउटर कॉर्नर देखा जाएगा जो भी कलर हो रहा है. आउटर कॉर्नर पिंक क्यों हो रहा है, मुझे पर्पल चाहिए था. आउटर कॉर्नर बीइंग पिंक, no offense, but I actually wanted a mixed kind of shape. But अभी ये पर्पल का भूत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा भी नहीं पूरा आ रहा है. मतलब क्या यार, बेकार कर दिया टेक्सचर पूरा का पूरा, गंदा दिख रहा है अभी है. अट किया है कलर तो भर देती हूँ थोड़ा सा रंग 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 रंग. मैं पोर्ट्रेट्स बनाने में बहुत बेकार हूँ, और ह्यूमन फेसेस तो मत पूछो तोबा तोबा, क्योंकि वो बनाने में तो अति बेकार. क्योंकि मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करना फिफ्थ भी नहीं, दो टू क्लास के बच्चे लोग जैसे ड्राइंग करते हैं वैसे ही मेरा वो होता है. आप एक्सपेक्ट कर लो, टू क्लास के बच्चों का ड्राइंग सोचो और जस्ट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी. इफ़ यू वांट वी डू ड्रॉ ह्यूमन फेसेस, जैसे कि मैंने दिखाया था ये वाला मेरा कैलीग्राफी था, ये देखो ये वाला के बच्चों जैसा दिख रहा है. मीन वाइल ऑन द अदर हैंड परी वो इतना अच्छा ड्राइंग बना रही है, वो दैट लुक्स लाइक क्लास सिक्स का बच्चा वाला ड्राइंग. अभी बहुत हिचकी हो रही है, तो मम्मी मेरा साइंस एग्जाम है, आई टोल्ड यू. तो अभी मैं पढ़ाई 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 करने वाली हूँ. सो फ्रेंड्स देखिए, ये एक स्टूडेंट है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा चेयर इधर है, एंड इधर है लर्न विद प्रियांशी जो स्टडी करा रहे हैं. ये मैंने नोट्स. गुड मॉर्निंग मैम. अबे पढ़ो, आपका कॉपी क्या कहाँ है?
कॉपी मामा जी के घर छो। आप एक दे दीजिए रफ कॉपी। ये लो ये टेस्ट कॉपी, ये टेस्ट कॉपी में हो गया, बट ये बदमाश उसको तो नॉक कर दिया लेकिन खुद अभी भी तैरो तैरो कर रहा है। देखा अभी हम लोग देख सकते हैं नट, नट एक लेकर आ जाओ। अभी कौन कौन मुझे बता सकता है कि ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? क्योंकि सिंक करेगा मैम। ठीक है डाल दिया, 2 सेकंड में सिंक हो गया और यहाँ पूरा नीचे चला गया है और पेपर गीला हो गया तो नीचे भी जा गया। हाँ बट ये ऑलरेडी गीला हो चुका है, इसको जितना मिक्स करो ये पेंसिल का छिलका जो है वो नीचे नहीं जाएगा, वो फ्लोट ही करता रहेगा। ठीक है अभी ये तो हम लोगों ने सॉलिड चीजें डाले, अगर ये अंदर पानी के मतलब भीतर अगर पानी के ऊपर फ्लोट करने लगा, पानी के ऊपर रहा तो दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग, और अगर वो नीचे चला गया जैसे वो नॉट नीचे चला गया तो दिस इज कॉल्ड सिंकिंग। अभी हम लोग जानेंगे सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो जानना है, तो इसके लिए हम लोगों को यही चाहिए होगा। देखो सॉलिबिलिटी होता है मतलब अगर कोई भी सॉलिबल चीज, सॉलिबल सॉल्वेंट सुना होगा नाम, तो जिस चीज को द लिक्विड दैट डिजॉल्व्स अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो इस मामले में वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट है क्योंकि उसके अंदर चीजें डिजॉल्व हो रही है, उसके अंदर मतलब शुगर कर रहे हैं, फ्लोट कर शुगर सॉल्ट, शुगर सॉल्ट जो होता है सॉल्वेंट होता है, और जो सॉल्ट जो सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व करते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे शुगर सॉल्ट जो सारे इसमें डिजॉल्व करेंगे उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो मिक्सचर बनता है उसको मिक्स करने का उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है अभी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। हाँ देखो अभी मैं कुछ एक चीज डाल रही हूँ इधर से, ये मेरे पास एक सिट्रिक एसिड है, इसको मैं थोड़ा सा डाल दूंगी ये पानी के अंदर, ये पानी बहुत गंदा हो जाएगा अभी, कोई बात नहीं करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है। कुछ नहीं होगा ये पानी के अंदर डालने के लिए, सिंपली कुछ नहीं होगा। इसको मैं मिक्स किया, अभी वो क्या था जो हम लोगों ने सिट्रिक एसिड डाला वो हमारा था, ये था हमारा सॉल्वेंट, फूड ग्रेड लिखा है, फूड ग्रेड उसको लिखा गया, वो एक्सपेरिमेंट फ्रेंडली जो सिट्रिक एसिड लिखा है। देखो अभी भी मैं इसको जितना मिक्स कर रही हूँ ये पेंसिल का छिलका जो है वो नीचे जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, तो
तो जिसको इसको इतना नीचे लूँ मैं वापस बदमाश ऊपर फ्लूट कर दे रहे हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड मैंने मिलाया। तो अभी जो मैं आपको ये सोल्यूशन दिखा रही हूँ, क्या आप इससे जान सकते हो कि इसमें मैंने सिट्रिक एसिड मिलाया है? जान सकते हो? नहीं, क्योंकि वो सिट्रिक एसिड जो है वो कम्प्लीटली सोल्यूट हो गया है, इसमें सॉल्वेंट हो गया है पूरा का पूरा, मतलब इसमें मिक्स किया है, तो इसको सोल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास दो चीजें, एक ग्लू है एक सेंट है। ठीक है, तो इसमें बोला गया हाँ, जो लिक्विड चीजें हैं, जैसे कि ये एक लिक्विड चीज है, लिक्विड चीज है, तो इसको अगर हम लोग इसमें डालेंगे और ये मिक्स हो जाएगा। आई डोंट नो, ये मिक्स नहीं होने वाला, आई नो वेरी वेल हो जाएगा, डल जाए यार मेरे भाई। चला गया, ये सॉल्वेंट हुआ या नहीं हुआ आई डोंट केयर, इसमें थोड़ा सा सेंट फिर चला गया, पता नहीं ये क्या एक, ये हम लोग वैसा लग रहा मुझे जैसे कि मैं एक चुड़ैल हूँ और एक पोशन बना रही हूँ, क्या क्या नहीं क्या क्या डाल के मिक्स हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, वो पूरा मिक्स हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिसिबल। जो लिक्विड जो होते हैं वो सॉल्यूट सॉल्वेंट मतलब पूरा मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं मिसिबल, और जो मिक्स नहीं होता वो उसको बोलते हैं इमिसिबल। ठीक है, इतना ही था अभी इसमें, अभी हम लोग इसको हमारा Show you guys something real interesting. ये देख लो, बारिश हो रही है, इतनी धूप हो रही है फिर भी बारिश हो रही है। ये देखो मेरे हाथ में छींटे गिर रहे हैं, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख लो, प्लांट को भी देख लो, इतना धूप हो रही है, बारिश, आइसक्रीम। ये धूप में बारिश कैसे हो सकती है, ये अजीब है यार। डोंट केयर, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल मेरा लास्ट एग्जाम है साइंस। मैं मुझे माफ करना, मैं ब्लॉग में बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट है यार लास्ट एग्जाम तो अलग ही लेवल की खुशी हो रही है, तो शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का डिनर कंप्लीट हो गया है एंड प्रियांशी सो भी गई है, मैंने उसका रिविजन करवाया तो मैं शूटिंग करना भूल ही गई, क्योंकि मतलब कल लास्ट एग्जाम है ना, वो ट्यूशन से आई एंड थक भी गई थी, 9:30 बजे मैं उसको लेके आई, और उसको मैं जो जो मतलब 6 या 7 चैप्टर का उसका साइंस का आएगा, तो दोपहर को मैंने उसका 2-3 चैप्टर का रिवीजन करवा लिया था, मतलब पूछ लिया था, अभी 2 चैप्टर का पूछी और वो सो भी गई है। सो उसको ना साइंस, SST ये सब सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, ईजी भी लगता है, सो उसका इंटरेस्ट रहता है ये सब सब्जेक्ट मतलब पूछने में, और उसको उड़िया हिंदी ये सब डिफिकल्ट लगता है, तो उसमें उसको पढ़ाने में बहुत बहुत मतलब मुश्किल होता है। एंड मैं उसका आधा पैकिंग किया और आज मेरा कपड़ा सारा पैकिंग हो भी चुका है ऑलरेडी, बस कुछ कुछ चीज़ें बाकी है जो कल लास्ट पैकिंग हो जाएगा, मतलब कपड़ा दोनों माँ बेटी का ऑलमोस्ट पूरा सेट हो गया है, पैक कर दी हूँ। एंड प्रियांशी तो बोली ही होगी, एंड प्रियांशी का कल एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो वो बहुत एक्साइटेड है, इसलिए आज जल्दी भी सो गई, 10:20 को वो सो भी गई है। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, एंड आज तो किसी का नाम मैंने लिख भी नहीं पाई, बहुत टायर्ड लग रहा है, तो और मुझे लग रहा है कि आने वाले जो 8-10 ब्लॉग होगा, 10 या 12, हम तो 10 दिन के लिए जा रहे हैं, किसी भी ब्लॉग में मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज हम लोग बेंगलोर में होंगे, बिजी होंगे, सो कहाँ से पेपर पेन ला के फिर लिखेंगे, फिर आफ्टर जब हम भुवनेश्वर रिटर्न आ जाएंगे फिर एज यूजल मतलब जिन जिन का नाम लेते थे ले लेंगे। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।